नमस्कार, स्वागत है आपका महाराष्ट्र के चुनावी रण की स्पेशल रिपोर्ट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो बन चुके हैं, लेकिन अब उद्धव ठाकरे के समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, क्या छोड़े, क्या ना करे। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल रियलिटी है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार तो बना ली है, लेकिन सरकार को चलाए कैसे, क्योंकि तीन पहियों पर जो सवार होकर के उद्धव ठाकरे हैं वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं और तीन पहियों के गाड़ी को चलाना काफी मुश्किल हो गया है। दो या दो नहीं बल्कि तीन अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टियों ने ये जो सरकार है वो बना तो ली है, लेकिन अब इस पर पेच फंसता हुआ वो नजर आ रहा है। वहीं अजीत पवार एक अड़ी पर अड़े हुए हैं कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, और कहीं ना कहीं एनसीपी भी चाहती है कि अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री है वो बनाया जाए महाराष्ट्र का, लेकिन शिवसेना को ये सब मंजूर नहीं है। संजय राउत इसमें गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं। संजय राउत नहीं चाहते हैं कि वो किसी तरह से अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद पर देखे, क्योंकि अजीत पवार ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बना ली थी और 70 घंटों के लगभग उप मुख्यमंत्री भी रहे थे, ऐसे में संजय राउत से शिवसेना है वो अजीत पवार के खिलाफ है। लेकिन एनसीपी चाहती है कि अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन इसी बीच एक बड़ी अपडेट बीच में ये भी आई थी कि 40,000 करोड़ रुपए के लिए जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो 80 घंटों के लिए मुख्यमंत्री बने थे, क्योंकि बीजेपी के एक विधायक हैं खड़गे नाम से कर्नाटक के, तो उन्होंने खुलासा किया था कि 40,000 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र को दिए गए थे उन्हें वापिस मोड़ने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने ये मुख्यमंत्री बनने का जो खेल है वो खेला था। यानी भारतीय जनता पार्टी को पहले से ही पता था कि उनके पास बहुमत है वो नहीं है और एक दो दिन में उनकी सरकार है वो पक्का गिर जाएगी, लेकिन उससे पहले पहले देवेंद्र फडणवीस ने एक गेम खेलते हुए जो शपथ ग्रहण किया, और वो गेम ये था कि केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार की तरफ से 40,000 करोड़ रुपए जो इनको महाराष्ट्र में विकास के लिए दिए गए थे, और वो भी ये जो मेट्रो ट्रेन के वगैरह मामले के अंदर, लेकिन बुलेट ट्रेन के मामले में, लेकिन उन्होंने जो ये 40,000 करोड़ रुपए केंद्र के यदि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस में हाथ में आ जाते तो नॉर्मल सी बात है कि कांग्रेस जिस तरह से मलाई खाने की आदी है तो वो 40,000 करोड़ रुपए हैं वो गटक जाते, लेकिन कहीं ना कहीं ये 40,000 करोड़ में घपलाबाजी होती, इसी कारण देवेंद्र फडणवीस ने वो 40,000 करोड़ रुपए वापिस केंद्र को भेजने के लिए यानी वापिस उसको सही जगह पर पहुंचाने के लिए ये पूरा गेम है वो खेला, और एक दिन या दो दिन जैसे मान सकते हैं कि 80 घंटों के लिए मुख्यमंत्री बने। यानी मुख्यमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने अपना जो कामकाज है वो संभाल लिया था, और उस दौरान जो जो इनको ऐसा लगा, भारतीय जनता पार्टी या फिर देवेंद्र फडणवीस को ऐसा लगा कि ये जो पैसा है वो ये बर्बाद कर देंगे, क्योंकि ये तो निश्चित है कि 2020 में लगभग महाराष्ट्र में जो सरकार है शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस की, ये गिर जाएगी, 100% गिर जाएगी, ये तो कन्फर्म है, हर कोई जानता है कि लगभग 6 महीने हाईएस्ट ये सरकार है वो चलने वाली है। तीन अलग अलग विचारधाराओं वाली या फिर दो अलग अलग विचारधाराओं वाली तीन पार्टियों की ये जो सरकार है वो सत्ता में नहीं रह सकती है। निश्चित तौर पर कुछ पंडित हैं उन्होंने भी इसमें भविष्यवाणी कर दी है कि 2020 में निश्चित रूप से ये जो सरकार है वो गिर जाएगी, तीन अलग अलग पहियों पर चलने वाली सरकार में ज्यादा दम नहीं है, और इसीलिए वो पैसा जो केंद्र सरकार की तरफ से मिला हुआ था 40,000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र के विकास के लिए वो वापिस मोड़ दिया गया है, क्योंकि यदि इनके हाथों में आता तो वित्त मंत्रालय है वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के हाथों में जाने वाला है, और कांग्रेस अपनी मलाई में व्यस्त होकर के वो 40,000 करोड़ रुपए गटक जाती, और जिस तरह से जो गृह मंत्रालय है वो एनसीपी के पास जाने वाला है तो गृह मंत्रालय के द्वारा उन पर किसी तरह की कोई जांच नहीं होती, और तीसरा अनेकों ऐसे कारण थे जिसकी वजह से देवेंद्र फडणवीस को ऐसा कदम उठाना पड़ा। इस तरह का जो विधायक है बीजेपी के कर्नाटका के हेगड़े, उन्होंने बताया है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस खुद अब बयान दे करके यानी मीडिया के सामने आकर के बोले हैं कि इस तरह का कोई भी पैसा है वो नहीं मोड़ा गया है, इस तरह के पैसे के लिए किसी तरह का जो सीएम है वो 80 घंटे के लिए नहीं बना था,
इस तरह की जो सफाई है वो देवेंद्र फडणवीस ने जरूर दी है। लेकिन कहीं ना कहीं यदि देवेंद्र फडणवीस ने ये 40,000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र के वापिस, मोदी सरकार के वापिस भेजे हैं, उसकी असली जगह पर भेजे हैं, तो निश्चित रूप से ये एक सराहनीय काम किया है, क्योंकि जो कांग्रेस है वो मलाई की आदि है और कांग्रेस के पास वित्त मंत्रालय था। निश्चित रूप से 40,000 करोड़ रुपए जो महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस है वो गटक जाती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और ये पूरी हिंदुस्तान जानता है, हिंदुस्तान की पूरी जनता जानती है। उसी बीच जिस तरह से शरद पवार ने एबीपी न्यूज को अपना जो बयान दिया है उसमें भी कई खुलासे किए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शरद पवार के बीच में जो लगभग 20 नवंबर के लगभग हुई थी, शायद तक ये मुलाकात हुई थी, उसमें 3 मंत्रालय एनसीपी को सौंपने का जो वादा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था बीजेपी के कहने पर, यानी बीजेपी के जरिए, बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जरिए जो एनसीपी को 3 मंत्रालय केंद्रीय मंत्रालय सौंपने का जो ऑफर है वो दिया था। मैंने आपको बार बार कहा था, लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आपने विश्वास किया हो या ना किया हो, और अब शरद पवार ने एबीपी न्यूज को जो इंटरव्यू दिया है उसमें स्पष्ट कहा है कि उन शरद पवार की बेटी को मंत्री पद देने के लिए, यानी केंद्र में मंत्री पद देने के लिए सुप्रिया सुले को ऑफर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से दिया गया था उस मुलाकात के बाद। और उस मुलाकात के बाद शरद पवार को ये भी बोला गया था कि आप हमारे साथ आकर के काम कीजिए, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कीजिए, आपको आनंद आएगा। लेकिन शरद पवार ने उस टाइम मना कर दिया था कि इस वक्त हम इस कंडीशन में है नहीं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के काम करें, यानी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये संकेत दे दिया है कि इस टाइम नहीं है, लेकिन 5-6-7 महीनों में ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी जिस तरह से अलग अलग विचारधाराओं वाला सिस्टम है, तो शरद पवार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। आने वाले 6-7 महीनों में इनका जो रंग रूप है वो देख सामने आना शुरू हो जाएगा। तो इसी तर्ज पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रिमंडल का जो ऑफर दिया था 3 मंत्रिमंडल का, उसमें से एक का खुलासा अभी हो चुका है, यानी सुप्रिया सुले को केंद्रीय मंत्री बनाने का ऑफर है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी जी के जरिए शरद पवार को दिया गया था। दूसरी बात, राष्ट्रपति पद के लिए नाम की जो घोषणा करने के या फिर राष्ट्रपति नाम की शरद पवार की सिफारिश करने के नाम पर जो ऑफर है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिला था, लेकिन अभी इसका खुलासा अभी तक तो नहीं हुआ है। आने वाले समय में जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे जो शरद पवार और बीजेपी के पत्ते हैं वो खुलकर सामने आने लग जाएंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त ये भी कंडीशन है, ये भी कंडीशन काफी खराब हो चुकी है महाराष्ट्र की सत्ता के लिए कि कांग्रेस और जो शिवसेना के बीच में है वो गठबंधन कहीं ना कहीं अटका हुआ है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी और सोनिया गांधी उद्धव ठाकरे के साथ, यानी उद्धव ठाकरे को सीएम की पद की गद्दी पर नहीं देख पा रहे हैं, और इसीलिए अभी तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात नहीं की है। उद्धव ठाकरे की जो शपथ ग्रहण थी उसमें भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी शामिल नहीं हुए थे, और जिस तरह से उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे खुद ब्लैक कपड़े पहन करके जिस तरह से शपथ ग्रहण में पहुंचे थे, तो वहां भी ये निश्चित तौर पर ये देखा जा सकता था कि राज ठाकरे भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होना चाहते हैं या फिर इसका विरोध करना चाहते हैं, और इसीलिए वो काले कपड़े पहन करके उस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे, जहां उम्मीद लगाई जा रही थी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से कि 70,000 के लगभग वहां पर लोग इकट्ठा होंगे, लेकिन वहां पर लगभग 30,000 के लगभग लोग ही वहां पर आए थे। और इसी तरह जो गपलाबाजी कर करके ये जो विधानसभा के अंदर जो स्पीकर का चुनाव किया गया, दूसरे प्रोटेम स्पीकर को हटा दिया गया, स्पीकर का चुनाव किया गया, और उससे पहले ही जो ये बहुमत साबित करने वाला सिस्टम कर दिया गया फ्लोर टेस्ट, यानी विधानसभा के अंदर जो कुछ हुआ वो संविधान के अनुसार नहीं हुआ, इस तरह का आरोप है वो भारतीय जनता पार्टी ने लगाया। देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी इस तरह के आरोप हैं वो लगाए हैं कि संविधान के अनुसार किसी तरह की शपथ ग्रहण है वो नहीं हुई है। तो निश्चित तौर पर अब देखना बाकी ये रह गया है कि जिस तरह से वित्त मंत्रालय कांग्रेस ले चुका है, गृह मंत्रालय एनसीपी रख चुकी है, और इनके इनसे जो भी इनकी कार्रवाई में, यानी जो कांग्रेस मलाई खाएगी, कांग्रेस जो पैसे का गबन करेगी, उसकी जांच अब मुख्यमंत्री यानी उद्धव ठाकरे पर होगी, और छोटी मोटी जांचों के लिए गृह मंत्रालय वहां पर मौजूद है एनसीपी के पास, तो निश्चित तौर पर वो छोटी मोटी जो जांचें हैं उनको इधर उधर करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन जो बड़ी जांच केंद्र सरकार
समाचार केंद्र की तरफ से होगी वो निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे पर होगी। 6 से 7 महीने के लगभग ये सरकार चलेगी, इस तरह के पंडितों के भविष्यवाणी होनी भी शुरू हो चुकी है। जो जिन्होंने मतलब उद्धव ठाकरे को जो 6:40 का टाइम दिया शपथ ग्रहण का, उन्होंने भी ये बोल दिया है कि 2020 में निश्चित तौर पर ये सरकार है वो गिर जाएगी और नई सरकार है वो बनेगी। अब देखना ये होगा कि क्या चुनाव दोबारा होगा या फिर एनसीपी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के महाराष्ट्र में दोबारा सरकार है वो बना सकती है। दोस्तों फिलहाल आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि जो कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना की जो मिलीजुली सरकार है, तीन पहियों वाली सरकार है, वो महाराष्ट्र में कितने दिन चलने वाली है, कितना टाइम और उसका बच चुका है, और क्या देवेंद्र फडणवीस ने 40,000 करोड़ रुपए वापिस भेजे थे महाराष्ट्र के? अगर भेजे थे, सपोज कीजिए कि यदि वापिस मोदी सरकार को भेजे थे, तो क्या है कि ये अच्छा कदम था या गलत कदम था, और क्या इसमें 40,000 करोड़ में कांग्रेस है वो कितनी मलाई खाती यदि वो महाराष्ट्र के अंदर रह जाता बजट तो दोस्तों आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, अगली अपडेट, अगली न्यूज, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।